दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं मिस्टर खलीलुर रहमान। तो झागा की एक शानदार न्यूज़लेटर और भी आ चुके हैं, नाइट को ये न्यूज़लेटर मिला है दोस्तों। तो न्यूज़लेटर 9 तारीख को दिया गया है, इंसेंटिव टीम्स एंड एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे बातचीत किया गया है। तो बहुत ही अच्छा न्यूज है। जे झाका भी अभी जो वर्किंग सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और फास्ट भी कर रहा है। तो पूरे की पूरे न्यूज़लेटर की चर्चा होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जो लाइफ स्टाइल चेंज इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने बेल नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो आइए, जो भी न्यूज़लेटर है पूरा न्यूज़लेटर को आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म शुल्क को कम करना, यह एक ज्ञात तथ्य है कि ब्लॉकचेन की परिचालन लागत नेटवर्क शुल्क के रूप में होती है। कुछ नेटवर्क में अविश्वसनीय मूल्य होते हैं, उदाहरण के लिए एथेरियम, जो उपयोगकर्ताओं को डराते हैं। कार्डानो नेटवर्क को अपनाने के हमारे निर्णय ने हमें कम कीमत पर शीर्ष सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति दी। मिथिल और हाइड्रा की शुरुआत के साथ हमने लेन देन के प्रसंस्करण के नए तरीकों को लागू करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए हम एक ही ब्लॉक में हजारों लेन देन का अनुक्रम कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क काफी सस्ता हो जाएगा। आज की तैनाती के साथ हमने परिचालन लागत को लगभग 2% से घटाकर 0.02% कर दिया है। यह परिवर्तन नेटवर्क शुल्क में 100 गुना कमी का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी को खुश करेगा। प्रोत्साहन योजना ने समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुरोधित सुविधा को पूरा किया। हमने नेटवर्क को विकसित करने में मदद करने वाले उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत करने का एक तरीका बनाया है, लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं। इसलिए टीम ने इस महीने के अंत नवंबर 2022 में प्रोत्साहन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी बकाया मूल्यों का भुगतान। यदि आप तब तक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्दी करें, क्योंकि यह 30 नवंबर 2022 मध्य यूरोपीय समय की मध्य रात्रि को समाप्त हो जाएगा। हालांकि एक बेहतर प्रोत्साहन योजना आवश्यक है। इसी विचार से टीम अपडेट का जन्म हुआ। प्रोत्साहन योजना के अंत के साथ यह ADA के अलावा किसी भी मुद्रा पर प्रोत्साहन के किसी भी आउटगोइंग भुगतान को समाप्त कर देगा। हालांकि दिसंबर तक विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करके निवेश अभी भी संभव होगा। इसलिए 31 दिसंबर आखिरी दिन होगा जब सदस्य प्लेटफॉर्म पर भुगतान के अन्य रूपों का उपयोग कर सकते हैं। आगामी टीम अपडेट परियोजना की स्थापना के बाद से टीम समुदाय की भावना पैदा करना चाहती है, तो यह केवल उचित है कि ZHAKA टोकन की पहली वास्तविक उपयोगिता सदस्यों के बीच समुदाय और टीमों का निर्माण करना है। हम टीम के हर पहलू का विवरण देते हुए एक संपूर्ण लेख और एक सहायता अनुभाग प्रकाशित करेंगे। साथ ही प्रलेखन टीम इसे लाइट पेपर में शामिल करेगी। जल्दी से नई कार्य क्षमताएं निम्नलिखित हैं: सदस्यों के पास टीम बनाने या मौजूदा टीम में शामिल होने की क्षमता होगी। टीम के प्रदर्शन का मासिक मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्रिया में इनाम अंक होंगे। हर बार जब कोई उपयोगकर्ता किसी टीम में शामिल होता है, तो टीम और आमंत्रित सदस्य के लिए अंक अर्जित करेगा। टीम के सदस्यों द्वारा किए गए निवेश के साथ ही सभी कार्रवाइयां टीम में अंकों के लिए जिम्मेदार होंगी। प्रत्येक महीने के अंत में प्लेटफॉर्म प्रोत्साहन वितरित करेगा और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली टीमों को उच्च पुरस्कार प्राप्त होंगे। प्लेटफॉर्म ZHK अदा और NFT में पुरस्कार का भुगतान करता है, जिसे सदस्य प्लेटफॉर्म के बाहर बेच सकता है या बाद में लाभ के लिए होल्ड कर सकता है। निवेश और नए सदस्यों के अलावा अन्य कार्यों में पुरस्कार होंगे, जैसे बग ढूंढना, दस्तावेजीकरण में योगदान देना, लेख लिखना या सोशल मीडिया पोस्ट आदि।
एक्सचेंजों के बारे में एक त्वरित नोट। हमें एक्सचेंजों के बारे में बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हमें कब सूचीबद्ध किया जाएगा और किस एक्सचेंज में। मुझे इस मुद्दे का शीघ्रता से समाधान करने दें और स्पष्टता लाएं। आज के समाचारों को तुरंत पढ़ने से पता चलता है कि सबसे बड़े एक्सचेंजों में भी समस्याएं होती हैं और वे एक पल की सूचना पर विफल हो सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि हम डुबकी लगाएं और खुले बाजार में सूचीबद्ध हों, हम अपना समय ले रहे हैं और मौजूदा बाजार का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य सभी के निवेश की रक्षा करना और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टो समुदाय का निर्माण करना है। टाइम्स को सूचीबद्ध होने के लिए उपयुक्त होना चाहिए या निवेश के खोने का जोखिम है। मुझे यकीन है कि हर कोई निवेश से कुछ लाभ लेना चाहता है। इसलिए हालांकि हमारा लक्ष्य समुदाय का निर्माण करना है, हम जागरूक हैं और ऐसे कई तरीके पेश करेंगे जिनसे सदस्य लाभ उठा सकते हैं और जाका में भाग लेने के लिए पुरस्कार ले सकते हैं। तो बिल्कुल, इसमें जो भी जागा के न्यूज़लेटर है काफी शानदार है, जिसमें बहुत सारे चर्चा किया गया है। और एक चीज यहाँ पे खास करके बताया गया है, जो भी अभी ट्रोन से आप लोग बाय कर रहे जागा, वो 31 दिसंबर तक ही हम लोग बाय कर सकता है। मतलब सोच सकता है जो जागा भी हमारा बहुत ही तेजी से आप ग्रोथ करने वाला है और लिस्टेड होने के काफी करीब भी आ रहा है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद की बात तमाम टीम को शेयर करें, क्योंकि उन तमाम लोगों को पता चल जाएगी। ओके, थैंक्स, गुड बाय एवरीवन।